सेना जहां हर कदम पर जम्मू कश्मीर के लोगों की जान माल की दुश्मनों से रक्षा करती है, वहीं वो अपने आवाम के प्रति सामाजिक दायित्व को कभी नहीं भूलती। इसी क्रम में जिला रामबन के दूर दराज पहाड़ी इलाके कारी त्राना में सेना की 23 RR द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन सेंटर खोला गया। इस ट्यूशन सेंटर में तकरीबन 100 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस पर स्थानीय लोगों ने बताया कि दूर दराज पहाड़ी इलाका है ये, और ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। वो अपने बच्चों को रामबन ट्यूशन पढ़ने नहीं भेज सकते। वहीं बच्चों ने भी सेना के इस कदम की सराहना की कि सेना हम गरीब बच्चों का भविष्य संवार रही है। कश्मीर घाटी के हब्बा कदल में 31 साल बाद नाथ मंदिर खोल दिया गया। इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। वहीं भक्तों ने कहा कि लंबे समय के बाद कश्मीर में शांति लौट आई है। स्थानीय मुसलमानों ने खराब हालतों के दौरान इस मंदिर की रक्षा की। हम स्थानीय आबादी के शुक्रगुजार हैं। जिला विकास आयुक्त बांदीपुर डॉक्टर ओवेस अहमद द्वारा जिले में चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया और कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं डीसी ने 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 100 बिस्तरों वाले गुर्जर बकरवाल हॉस्टल का भी दौरा किया। वहीं डीसी ने अधिकारियों को समय सीमा में काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत अभियान के नारे लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका विजयपुर इस अभियान को फेलियर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बात की जाए तो विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल के मुख्य गेट पर बने नाले की, तो नाले का गंदा पानी और गंदगी बाहर सड़क पर बिखर रही है, जिससे अस्पताल में ठीक होने के लिए आ रहे मरीज उल्टा यहाँ से बीमारी लेकर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इस गंदे पानी और गंदगी फैला रहे इस नाले पर नगर पालिका ने मिट्टी डालकर सिर्फ खाना पूर्ति की, मगर नाला ब्लॉक नहीं हुआ बल्कि पानी सड़क पर निकल गया। इस दौरान पैंथर्स पार्टी के प्रांतीय प्रधान राजेश पड़गोत्रा ने कहा कि नाला ब्लॉक होने से गंदा पानी बाहर सड़क पर बिखर रहा है, जिस कारण लोगों को यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका सिर्फ टैक्स इकट्ठे कर रही है, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर RNB को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका को साफ सफाई करने के लिए कहा जाए और इसकी जांच की जाए। कश्मीर घाटी के डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और चेयरमैन JIT IE अगलर ने शोपिया का दौरा किया। उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ IJC लसीपुरा पुलवामा और अगलर शोपिया में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तहत स्थापित विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण कर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को इस संबंध में विकास और रोजगार सृजन के लिए इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन के लिए काम करने के लिए कहा। वहीं उद्यमियों ने IE अगलर को में सड़क अपग्रेडेशन की मांग उठाई। वहीं सभी योजनाओं के तहत उपलब्धियों और प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी बस टर्मिनल शुरू नहीं हो पाया है। जल्द ही बस टर्मिनल शुरू होने के साथ ही यहां से विभिन्न रूटों की बसें अलग अलग काउंटर से चलना शुरू होंगी। नव निर्मित टर्मिनल में एक समय में 10 बसें खड़ी होंगी। इसके जाने के साथ ही नई बसें खड़ी हो सकती हैं। वहीं बस स्टैंड में ID मिलने के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में स्कैनर लगा दिए गए हैं, इस कारण बसें यहां नहीं आ रही है। उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही यहां से बसों को रवाना करने की प्रक्रिया होगी। बाहरी प्रदेशों में बने बस टर्मिनलों की तर्ज पर यहां से भी अलग अलग रूटों की बस को भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारियां और पेट्रोल डीजल व रसोई गैस सिलेंडर में लगातार बढ़ते दामों पर आक्रोश प्रकट करने के लिए कांग्रेस ने शहर के विवेकानंद चौक में सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रमन भल्ला की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। प्रॉपर्टी टैक्स को जनता पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ करार देते हुए कांग्रेस ने इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। रमन भल्ला ने इस मौके पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करना चाहती है। पठानकोट उधमपुर के बीच DMU पैसेंजर ट्रेन 11 महीने के बाद दोबारा शुरू हो रही है। कोविड के कारण मार्च में इस ट्रेन का परिचालन रेलवे ने बंद किया था।
स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए फिरोजपुर डिवीजन 35 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। पंजाब निकाय चुनाव के परिणामों पर किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव देखने को मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का खुलकर समर्थन कर रही कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। दूसरी ओर अकाली दल से अलग होकर पहली बार चुनाव मैदान में उतरी भाजपा को कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश में चल रही गुस्से की लहर का खामियाजा भुगतना पड़ा है। भाजपा का प्रदर्शन इन चुनाव में निराशाजनक रहा है। जिला डोडा में बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में खेले जा रहे अंडर 17 की लड़कियों का यूटी लेवल डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट का आयोजन डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर डॉक्टर सलीम उल रहमान और डीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड की देखरेख में हुआ। वहीं अंडर 17 की बालिका वर्ग का अंतिम मैच जिला सांबा और जिला रजौरी के बीच खेला गया। इस मैच में जिला रजौरी ने जिला सांबा को 3-1 के सेट से हराया। बाद में मुख्य अतिथि सीईओ 10RR मोहम्मद नावेद DYSSO डोडा जाफर हैदर शेख ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र बांटे।